नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और रात के 9 बजे के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय की चुनावी रैली में नीतीश सरकार और विपक्षी एकता को घेरा। उन्होंने कहा कि पलटू बाबू मोदी सरकार से काम का हिसाब मांगते हैं। मोदी जी ने बिहार के लिए जो किया है वो अब तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने बिहार की जनता से 40 सीटों की मांग भी की और नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ महागठबंधन में जाने को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि जो नेता घर बार बार बदलते हैं उन पर क्या कभी भरोसा किया जा सकता है। अब कोई पदाधिकारी और कर्मचारी जीन्स और टी शर्ट पहनकर कार्य पर नहीं आएंगे। अगर कोई भी कर्मी जीन्स टी शर्ट पहनकर आता है तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। भाजपा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षकों से लेकर कॉलेज के सहायक तक की नियुक्ति में अराजकता फैलाकर नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरा बंटाधार कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि 12 दिन के भीतर 9 बार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन क्यों करना पड़ा है। विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होने वाली थी लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है। विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला की जगह बेंगलुरु में होगी। शरद पवार ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की अगली बैठक अब 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित की गई है। खबर झारखंड से है जहां जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है जहां झारखंड के कई स्टेशनों में बंगला भाषा में दी जाने वाली सूचनाओं को हटाने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के कई स्टेशनों का नाम भी बंगला भाषा में ही होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने एक पत्र जारी किया और अश्विनी वैष्णव से इसकी मांग भी की है। बिहार में मद्य निषेध विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। सभी को अविलंब नव पद स्थापना जिले में योगदान देने को कहा गया है। जुलाई महीने का वेतन नव पद स्थापन जिले से भुगतान होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के लखीसराय में दिए गए भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बकरीद के पाक मौके पर गृह मंत्री की रैली और उनके द्वारा नफरत फैलाने की कोशिश एक घृणित कृत्य है। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें मालूम होना चाहिए कि बिहार की धरती पर केवल धर्म निरपेक्षता की खेती है संभव है, यहाँ भाजपा की दाल नहीं गलने वाली। लखीसराय में हुए गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मुंगेर सांसद ललन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने शाह को चुनौती दी है कि साबित कीजिए कि मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने के केंद्र सरकार का एक भी रुपया लगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार की उपलब्धि भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर करने का साहस कोई झूठा व्यक्ति ही कर सकता है। भारत में 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने वाला है। ऐसे में टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ियों को लेकर बड़े और पॉजिटिव अपडेट सामने आए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2023 से टीम इंडिया में वापसी करेंगे। अब बात मौसम की करें तो बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को भारी बारिश हुई। इसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली। लंबे समय से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। वर्षा के कारण अब लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से बारिश के साथ ही वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड में मौसम विभाग ने राज्य से 3 जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।